अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो स्वागत है आपका जारिया का जायका किचन में। तो चलिए आज मैं क्या बनाती हूँ आपको मैं दिखाती हूँ। आज मैं चावल की फिरनी बनाऊँगी। तो ये देखिए दोस्तों, ये आपका है बासमती राइस है, छोटे दाने वाला खुशबू वाला चावल। ये देखिए देखिए कितनी अच्छी तरह है, इतनी छोटा छोटा दाना और बहुत अच्छी खुशबू है इसकी। तो इससे हम लोग फिरनी बनाऊंगी। तो ये देखिए, ये ज़्यादा नहीं है आपका, मिनिमम होगा आपका 5 टेबल स्पून होगा, या फिर अगर कप में मेजरमेंट लोगे तो आधा कप। चलिए दोस्तों, इसको चावल को अच्छी तरह से वॉश कर लेती हूँ। ये देखिए चावल को अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी। ये चावल में इतना गंदगी नहीं रहता है, पूरा साफ ही रहता है। ये चावल अच्छी तरह से धो लीजिएगा। ये देखिए मैंने चावल को वॉश कर ली हूँ, धो ली हूँ। अब इसको ग्राइंडर में पीस लूँगी। और पीसने से पहले चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर मैं कढ़ाई ली हूँ। ये देखिए कढ़ाई ली हूँ और कढ़ाई में दूध डाल के अच्छी तरह से उबाल लूँगी। ठीक है, तो चलिए फिर मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों आपका, ये देखिए ये मैं ठीक कर लेती हूँ। और इसमें ये देखिए कढ़ाई में ही बनाऊँगी, कढ़ाई में बहुत अच्छा बनेगा। और ये देखिए मलाई के साथ ही आप पूरे दूध को, थोड़ा से दूध को डाल दीजिएगा। ये देखिए मलाई के साथ ही डाल दीजिएगा, तब उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो चलिए शुरू करती हूँ बिस्मिल्लाह करके, और होने देती हूँ दूध को, अच्छी तरह से उबलने देती हूँ। तो देखिए दोस्तों दूध अच्छी तरह उबल रहा है। ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए ये सामने में लेके दिखाती हूँ। एक सेकंड रुकिए, हाँ देखिए ये दूध उबलेगा अच्छी तरह। उसके बाद ये देखिए मैंने ये चावल पीस के रखी है, ये देखिए ग्राइंडर में अच्छी तरह से पीस ली हूँ। ये देखिए देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ठीक है। और ये चावल को मैं इसमें डाल दूंगी फिरनी बनाने के लिए। देखिए ये दूध उबल गया है, अब इसमें मैं ये ऐड कर दूंगी। ये देखिए और ये धीमी आंच में धीरे धीरे अच्छी तरह से इसको पकने के लिए दूंगी। ये देखिए दोस्तों ये धीमी आंच में अच्छी तरह से पूरा पक जाएगा, और ज़रूरत पड़ेगा तो इसमें थोड़ा से मैं, आप चावल को अच्छी तरह से फुला के भी पीस सकते हैं, उससे आपकी आसानी होगी। ठीक है, कम टाइम लगेगा पकने के लिए। और तो अगर महीन पेस्ट बना सकते हैं, या पाउडर भी रहता है देखिए आपके पास चावल का, तो वो भी आप इसमें घोल के, दूध में अच्छी तरह घोल के बना सकते हैं। इसमें गांठे पड़ने मत दीजिएगा, ठीक है, पूरा अच्छी तरह से इसको पूरा मिला लीजिएगा।
तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसकी क्वांटिटी। देखिए, आधा लीटर दूध था, या फिर आप 3 पाव या 1 लीटर ये दूध ले सकते हैं। और इसमें डाली हूँ मैं 4-5 टेबल स्पून बासमती राइस, छोटे दाने वाले था, उसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर दी थी, पूरा महीन पेस्ट, ये देखिए, ठीक है। और इसको गांठे मत आने दीजिएगा, ठीक है, और नीचे लगने भी मत दीजिएगा। और इसमें चीनी, देखिए आप लोगों को जितना पसंद है चीनी, जितना मीठा आप खा सकते हैं उस हिसाब से इसमें चीनी डाल लीजिएगा। किस लिए, कोई ज़्यादा मीठा खाना पसंद करता है, कोई कम मीठा खाना पसंद करता है, उस हिसाब से आप चीनी डाल लीजिएगा, ठीक है। और इसमें पड़ता है ये गाय का घी थोड़ा, ठीक है, लगभग 1 टेबल स्पून आप गाय का घी डालिएगा, इसमें पड़ता है आपका, फिरनी में लगेगा ही, ठीक है। ये देखिए 1 टेबल स्पून गाय की घी डालिएगा आप, ये देखिए क्या खुशबू है दोस्तों, मैं बता नहीं सकती आपको, समझे। ये देखिए अच्छी तरह से ये मेल्ट हो रही है। और इसमें मैं ऐड करूँगी ड्राई फ्रूट, ये देखिए, ठीक है, इतनी अच्छी तरह से खुशबू आ रही है। तो देखिए मैं इसमें हल्का फूड कलर, येलो कलर ऐड करी हूँ। अगर आपके पास केसर है तो आप केसर ऐड कर सकते हैं, और खोआ है तो खोआ ऐड कर सकते हैं इसमें, उससे उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये देखिए लुक कितने अच्छी तरह है, देखिए कलर कितनी अच्छी तरह है दोस्तों, देखिए। तो चलिए मेरी फिरनी अच्छी तरह बन गई है, ये देखिए कितनी अच्छी तरह बन गई है। अब मैं इसको सर्व करती हूँ। तो देखिए मैं, मेरी फिरनी बन के रेडी में है, अब मैं इसको सर्व करती हूँ, ये देखिए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों कितनी अच्छी तरह से बन गई है। तो देखिए दोस्तों मेरी फिरनी बन के तैयार हो गई है। आप इसे गरम भी खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा लगेगा जब इसको आप चिल करके खाइएगा। फ्रिज में थोड़ा देर रख दीजिए, जब ये ठंडा हो जाए तब खाइए, उसकी असली वजह फिरनी खाने का वही है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको मेरी बनाई हुई फिल्म पसंद आई हो तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट्स में बताइए दोस्तों को आपको आपको मेरी बनाई हुई फिल्म कैसी लगी हो। तो चलिए दोस्तों, विदा लेती हूँ, अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।